हेलो फ्रेंड्स, एंजल ब्रोकिंग का पॉडकास्ट सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पिछला हफ्ता फाइनेंशियल मार्केट के लिए कैसा रहा, कमोडिटीज़ के लिए कैसा रहा और करेंसी के लिए कैसा रहा। हमने देखा पिछले हफ्ते काफ़ी पॉजिटिव भरा रहा, जहां हफ्ते के स्टार्टिंग में थोड़ी गिरावट हमने देखी, वहीं हमने हफ्ते का एंड जो है काफ़ी पॉजिटिव वे में बंद होते हुए देखा। डाउ जोन्स हमने करीबन 1% की बढ़त के साथ बंद होते हुए देखा। S&P करीबन 500 जो है 1.8% गेन के साथ बंद होते हुए देखा। नेस्डेक भी हमने करीबन 3.7% की तेज़ी के साथ बंद होते हुए देखा। वहीं हमने डॉलर इंडेक्स में भी करीबन 1% से ज़्यादा की तेज़ी आते हुए देखी, लोअर लेवल से उसमें भी रिकवरी आते हुए देखी है। अगर हम बाकी इंडेक्सेस की बात करें तो हमने कैक के अंदर भी ऑलमोस्ट 2.90% की तेज़ी आते हुए देखी और डेक्स के अंदर भी करीबन 3.19% की तेज़ी आते हुए देखी है। पिछले हफ्ते हमने ये भी देखा कि स्टिमुलस पैकेज से भरा रहा पूरा हफ्ता, ऑलमोस्ट $200 बिलियन का इंडिविजुअल कॉरपोरेट बॉन्ड बाइंग हमने देखा फेडरल बैंक की तरफ से। साथ में हमने ये भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा करीबन $1 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिमुलस प्लान US इकनॉमी के लिए आते हुए देखा, जिससे US इकनॉमी की जो इकनॉमी है उसको बूस्ट मिलता हुआ देखा। और हमने ऑलमोस्ट सभी इंडेक्सेस में एक पॉजिटिव वे में क्लोज होते हुए देखा। वहीं अगर हम इंडियन इंडेक्सेस की बात करें तो हमने देखा कि करीबन 1.53% सेंसेक्स बंद होते हुए दिखाई दिया, करीबन 34,731 के आसपास। और निफ्टी के अंदर भी हमने करीबन 2.81% के गेन आते हुए देखे और निफ्टी 10,000 के ऊपर करीबन 10,235 के लेवल पर क्लोज होने में बंद रहा। वहीं अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड के अंदर भी हमने करीबन 1.27% की तेज़ी आते हुए देखी और गोल्ड के भाव दोबारा से 47,937 के लेवल्स के आसपास बंद होते हुए देखे। उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमने गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी हमने मोमेंटम आते हुए देखा और सिल्वर के भाव भी 1.98% के आसपास बढ़त के साथ बंद हुए और करीबन 48,636 के आसपास लेवल से बंद हुए। इंटरनेशनल मार्केट में भी सिल्वर के भाव करीबन 17.60 के स्तर पर बंद होते हुए दिखाई दिए। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के भाव भी करीबन 0.78% गेन के साथ पॉजिटिव वे में बंद होते हुए दिखाई दिए और ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो $1,743 पर आउंस के स्तर पर बंद हुए, जो कि इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में जो गोल्ड का ट्रेंड है वो पॉजिटिव वे में जा सकता है। अगले हफ्ते के लिए अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो गोल्ड का ट्रेंड हमें पॉजिटिव लगता है और गोल्ड में नीचे सपोर्ट करीबन 47,500 का रहेगा और ऊपर में रेजिस्टेंस करीबन 48,700 मीन्स करीबन $1,770 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। क्योंकि गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव है तो हमें लगता है कि सिल्वर भी उसी टेंडम में जाएगा, तो सिल्वर में एक अगले वीक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 47,800 रहेगा और रेजिस्टेंस करीबन 50,400 रहेगा। अगले हफ्ते भी हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में एक ट्रेंड पॉजिटिव बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने एक तेज़ी बनते हुए देखी है और जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर की इन्वेस्टमेंट डिमांड में इजाफा हुआ है वो आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रह सकती है। वहीं अगर हम अब बेस मेटल की बात करें तो पिछले हफ्ते भी हमने कॉपर के अंदर अगेन बढ़त आते हुए देखी, ऑलमोस्ट 1.02% के साथ कॉपर के रेट करीबन 447.80 के स्तर पर बंद होते हुए देखे। अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक के भाव भी ऑलमोस्ट 1.94% के आसपास बंद होते हुए देखे और करीबन 162.75 के स्तर पर बंद होते हुए देखे। अगले हफ्ते में भी हमें लगता है कि बेस मेटल में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से स्टिमुलस प्लान देखने को मिल रहे हैं और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान को बूस्ट मिलता हुआ दिख रहा है, वहाँ के लिए हमने एक स्टिमुलस पैकेज आते हुए देखा है US में, तो एक्सपेक्टेड है कि बेस मेटल की जो डिमांड है वो बढ़ सकती है। तो अगले हफ्ते में भी बेस मेटल के भाव ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगले हफ्ते के लिए अगर हम देखें तो कॉपर के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 440 का रहेगा और रेजिस्टेंस करीबन 458 का देखने को मिल सकता है। जिंक के अंदर वहीं अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 155 सपोर्ट रहेगा और 167 का एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो बेस मेटल हमें लगता है कि आने वाले समय में पॉजिटिव वे में जा सकते हैं, तो यहाँ पर भी एक तेज़ी का माहौल देखने को मिल सकता है। सभी बेस मेटल के अंदर आने वाले दिनों में अगर हम देखें नेक्स्ट वीक में तो एक पॉजिटिव ट्रेंड में ट्रेड हो सकते हैं। नाउ अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड के भाव पिछले हफ्ते करीबन 10% से बढ़कर बंद हुए, जो कि करीबन 3,051 के आसपास बंद होते हुए दिखाई दिए। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 7.85% के स्तर पर बंद हुए और करीबन 39.43 के लेवल पर क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में NYMEX क्रूड बंद होते हुए दिखाई दिया।
तो हमने देखा है कि क्रूड के अंदर भी बेस मेटल की ही तर्ज पर एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए दिखाई दिया, क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रिवाइव हो रही है, तो क्रूड ऑयल की डिमांड एज ए एनर्जी प्रोडक्ट बढ़ती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से हमने क्रूड के भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। अगले हफ्ते के लिए अगर हम क्रूड के लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर हमें लगता है कि क्रूड के भाव अगले हफ्ते भी पॉजिटिव वे में जा सकते हैं। तो महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 2920 पे रहेगा और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 3330 के आसपास क्रूड का रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट $43 के आसपास क्रूड के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो पॉजिटिव वे में हमें लगता है कि क्रूड की अगले हफ्ते में भी ट्रेंड ऐसा ही रहेगा। तो ट्रेंड अभी हम देखें तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड सभी में ट्रेंड पॉजिटिव है, तो अगले हफ्ते में भी ट्रेंड पॉजिटिव रहने की उम्मीद रहेगी और हमें लगता है कि अगले हफ्ते में भी इंटरनेशनल कमोडिटीज़ में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम एग्रीकल्चर कमोडिटी की बात करें तो यहाँ पर हमने पूरे ही एडिबल ऑयल पैक में एक पॉजिटिव वे में मार्केट बंद होते हुए देखा। हमने देखा रिफाइंड सोया, आरएम सीड, क्रूड पाम ऑयल और हम अगर हम सोयाबीन की बात करें तो यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव वे में मार्केट बंद होते हुए दिखाई दिया है। मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव था क्योंकि जिस तरीके से डोमेस्टिक मिलर्स की डिमांड यहाँ पर बढ़ी है, साथ में हमने देखा है कि जो इंपोर्ट्स हैं इस बार एडिबल ऑयल के भारत के अंदर काफ़ी कम देखने को मिले हैं और साथ में मलेशिया का भी एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो जिस वजह से हमने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक कारणों की वजह से हमने पूरे ही एडिबल ऑयल पैक में तेज़ी आते हुए देखी है। हमें लगता है कि अगले वीक भी ऐसे ही एडिबल ऑयल्स में तेज़ी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो यहाँ पर एक हमने टर्मरिक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम आते हुए देखा है और टर्मरिक के भाव करीबन 3.76% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। यहाँ पर हमने देखा है कुछ एक्सपोर्ट डिमांड्स देखने को मिली हैं जिससे स्पाइसेस पैक में एक तेज़ी का माहौल लौटते हुए देखा है। तो एग्रीकल्चर कमोडिटी के अंदर भी हमने यहाँ पर तेज़ी बनते हुए देखी है। और अगर हम मानसून के लेवल पर बात करें तो मानसून ने रफ्तार पकड़ी है। मानसून हमने देखा है महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, इन सब जगहों पर मॉनसून ऑलमोस्ट आता हुआ दिखा है। और अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में भी आने वाले 3-4 दिनों के अंदर मॉनसून अपनी दस्तक देता हुआ दिखाई देगा। तो एक्सपेक्टेड है कि जब मॉनसून आएगा तो एग्रीकल्चर कमोडिटी में दोबारा से उठापटक देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छा मौका होगा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं अगर हम अब फॉरेक्स की बात करें तो हमने यहाँ पर करेंसी के अंदर कुछ वीकनेस आते हुए देखी है और USD/INR ऑलमोस्ट 0.42% की गिरावट के साथ बंद हुआ और ऑलमोस्ट 76.26 जून कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर क्लोज होते हुए दिखाई दिया है। हालांकि हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 76.4050 के आसपास बनते हुए देखा है और नीचे सपोर्ट करीबन 75.80 के आसपास आते हुए देखा है। जिस तरीके से इकनॉमी रिवाइव हो रही है और जिस तरीके से हमने इक्विटी मार्केट में बढ़त आते हुए देखी है, हमें लगता है कि जो करेंसी है वो यहाँ पर अप्रिशिएट हो सकती हैं। तो हमें लगता है कि USD/INR में आने वाले दिनों में कुछ अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है और भाव नीचे करीबन 75.80 तक के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको इस पॉडकास्ट से काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। हम ऐसे ही आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स आपको पॉडकास्ट के थ्रू देते रहेंगे जो कि आपको कमोडिटी, करेंसी और मेजर इंडाइसेस में ट्रेडिंग करने से हेल्पफुल होंगे। स्टे विद अस, हम ऐसे ही काफ़ी मनोरंजक और जानकारी से भरी हुई पॉडकास्ट बनाते रहते हैं। हमारे साथ रहिए, आपको यहाँ पर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।